तो दोस्तों स्वागत है आपका इग्नू वाला में। जैसे कि आपको पता है डेली हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट क्लास हो रही है। आयुष सर डेली के डेली यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टारगेट है जितने भी कंपलसरी कोर्स कोड है आपके उन्हें करवाए जाए। आपको पता है देखिए इग्नू कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, आप सभी को पता है। तो आप सब ये भी जानते हो सारे कोर्स कोड कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं जो कंपलसरी हैं और खासकर बीए वाले हैं और जो एमए वाले हैं हमारे जितने भी दोस्त उनके यहाँ पर कोर्स कोड कराए जाएं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी आपको कमेंट करनी हो ना लेटेस्ट वीडियो पे करो। लेटेस्ट वीडियो पे करोगे उससे दो फायदे होंगे। उससे क्या होगा, आपकी वीडियो हमें पहले दिखेगी और हम जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक। और डेट को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन है, टारगेट हमारा ये रहेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएँ। और दूसरा, जो भी थ्योरी सर करा रहे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। अब आपको पता है टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, 10 घंटे पढ़ने की बजाय आप 1 घंटा पढ़ो लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ो, तो ये कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ठीक। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज की जो क्लास होगी वो होगी आपकी BPSC 131। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है चैनल पर और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने लगाए हुए हैं। देखिए दोस्तों आपको बस थोड़ी समझ बनानी है और ये चेक करना है कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो क्या वो उससे मैच हो रही है, क्या वो उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही, या आप खाली पढ़ते जा रहे हो आपको खुद नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर वो मैच हो रही है तो आप समझ लो आप सही पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपका बिल्कुल ही अलग हिसाब किताब बैठ रहा है, क्योंकि इग्नू में इतना वेरिएशन नहीं आता जितना आप सोच रहे हो, घूम फिर के वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। ये देखिए, तो ये आपको जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया, दिसंबर 2021, ठीक। पहला क्वेश्चन था नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत क्या होता है। आपने नागरिकता का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, आपको पता है नागरिकता में कुछ सिद्धांत होते हैं अपने अपने। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा होगा, आपने इसमें मार्क्सवादी पढ़ा होगा, साम्यवादी इसमें पढ़ा होगा, शायद पूंजीवादी भी हो, ठीक। इसमें तो ये मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत का मुख्य नियम यह है कि एक नागरिक को समुदाय के साथ खुद की पहचान करनी चाहिए, जिसमें वह खुद एक सदस्य है और अपने राजनीतिक जीवन में भाग लेता है और नागरिक गुणों की प्राप्ति में योगदान देता है। तो नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत कहता है कि नागरिक को इस तरीके से समाज से जुड़ा होना चाहिए कि उसमें अपना पूरा से पूरा योगदान दे, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो समाज के नियमों के खिलाफ हो। तो कुल मिलाकर नागरिकता के सिद्धांत में आपको ये देखना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने एक बेस बनाया। हालांकि देखो दोस्तों ये बात आप भी जानते हो, बीए का पेपर दे रहे हो, कम से कम 1-2 पेज या 5 पेज यहाँ पर भरने पड़ते हैं, कुछ भाई बोलेंगे 10, चाहे आप 10 भरो चाहे 20 भरो, वो आपकी स्पीड के ऊपर है लिखने की। लेकिन जहाँ तक है कम से कम 4 से 5 आप भरो, टाइम ना हो तो 3 भरो। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है आपकी समझ बनाने के लिए। हालांकि मैं ये कहूँगा आपके पास जो बुक है इग्नू वाली उसमें से थोड़ा मैच करिएगा और ये क्वेश्चन आप पढ़ो एकदम आसान भाषा में। तो मैं ये समझा रहा हूँ मैं नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत क्या है, तुम्हें लाइन समझ में आ गई इसके बाद तो तुम अपने आप बना दोगे, इतना कॉमन सेंस तो तुम में आ गया, 12वीं के बच्चे तो अब तुम हो नहीं, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आपका आया था, ठीक है मेरे भाई। हाँ ठीक है दोस्तों, तो भाई के ऊपर भी एक कमेंट आई थी कि सर आप भाई बोलते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक समाज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये नागरिक समाज का कोई सिद्धांत है उसकी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है, ठीक। तो नागरिक समाज स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की समग्रता से बना है। समग्रता मतलब इन सबके मेल से या इन सबको मिलाकर बना है। ये क्या, एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जो विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। विकासशील देशों में नागरिक समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है नागरिक और समाज को जो सिद्धांत है यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की गई है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पढ़ लोगे और इसे अपने हिसाब से आप आंसर इसका करके आओगे पेपर में, ठीक है मेरे भाई। और जो तीसरा क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पर कोशिश की गई है, मैंने आपकी बुक ही यहाँ पर बुक ही उठा ली मैंने, ठीक। लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे के समरूप नहीं है, और यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने क्यों, क्योंकि जो भी पॉसिबल होता है हम कोशिश करते हैं कि वो आपके सामने लिख लिया जाए। तो पूरी की पूरी कटिंग इसके सामने आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो या 2-3 बार वीडियो को देख लो, ठीक। ये वाला लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक दूसरे के समरूप नहीं है, ये तुम्हें यहीं पर दिख गया होगा, ठीक। क्वेश्चन से एकदम एज इट इज तुम मैच कर लो, यही आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है। हालांकि इतना छोटा नहीं है, इसमें मैंने और भी ऐड करा, ये देखिए, ठीक। स्वतंत्रता और सेंसरशिप के बीच संबंध बताएं, तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, दोनों के बीच आपको कनेक्शन बताना है। एक प्रसिद्ध वकील फली अली एस
नरीमन ने एक बार कहा था, भाषण के बाद स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सेंसरशिप इस प्रकार इस स्वतंत्रता को कम कर देती है, क्योंकि सेंसरशिप कानून के परिणामों के कारण सख्त कार्रवाई का सामना करने के डर से इस भाषण और अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना पड़ता है। ये किसी व्यक्ति की जो बात होती है ना, वो आपको पेपर में एज इट इज लिखनी पड़ती है। जैसे अकॉर्डिंग टू लगा देते हो आप, तो एज इट इज आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन आपको ये समझ में ना आए तो भी, अगर आपको स्वतंत्रता का मतलब पता है और सेंसरशिप पता है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए कटिंग लगाई है, तो यहां से आप पढ़ ले एक बार या समझ ले। ठीक, इसे थोड़ा जूम भी कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए। ये देखिए, अब आपके लिए थोड़ा जूम कर दिया मैंने, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। सेंसरशिप स्वतंत्र, पढ़ लीजिए इसे एक बार। पत्रकारिता की प्रक्रिया को अलग अलग कानूनों के माध्यम से कानून के दायरे में आने की अनुमति देकर कम कर देती है सेंसरशिप। इससे पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही धराशायी हो जाता है। एक प्रसिद्ध वकील फली अली एस नरीमन, उन्हीं का नाम आ गया, एक बार कहा था कि भाषण के बाद स्वतंत्रता ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सेंसरशिप स्वतंत्र, और नेक्स्ट में आपको सेंसरशिप बता दिया। बताइए, यही तो पूछा था वहां पर, स्वतंत्रता और सेंसरशिप। तो आप आराम से इसको समझ के पढ़ के कर सकते हैं। ठीक, सेंसरशिप और बोलने की स्वतंत्रता के मुद्दों को पूरी तरह से समझने के लिए और वे आधुनिक मीडिया पर कैसे लागू होते हैं, हमें पहले शर्तों का पता लगाना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। सेंसरशिप को आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी चीज़ को दबाने या हटाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कुल मिलाकर ये कुछ ऐसी चीज़ है सेंसरशिप। अगर आप कुछ ऐसा समाज के सामने किसी आधुनिक माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं गलत है, उसके लिए शायद एक लॉ के रूप में यहाँ पर काम करेगा सेंसरशिप। सेंसरशिप को आपत्तिजनक समझे वाले किसी भी चीज़ को दबाने हटाने में परिभाषित किया जाता है। एक आम रोजमर्रा का उदाहरण रेडियो या टेलीविजन पर पाया जा सकता है, जहाँ संभावित रूप से आपत्तिजनक शब्दों को ब्लीप किया जाता है। ब्लीप यानी कि आपने सुना होगा, जो आप न्यूज़ वगैरह में सुनते हो ऐसी आवाज आती है, टू टू, जो अब्यूज़ वगैरह करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है। देखो, ये रहा वो वर्ड, ब्लीप। ब्लीप किया जाता है। राजनीति या धार्मिक स्तर पर सेंसरशिप अधिक विवादास्पद है। यदि आपको कभी भी स्कूल में किताब पढ़ने से प्रतिबंधित किया गया है या हवाई जहाज पर फिल्म का साफ संस्करण देखा गया, तो आपने सेंसरशिप का अनुभव किया होगा। तो कुल मिलाकर हम सभी जानते हैं सेंसरशिप क्या है। कुल मिलाकर आपने कभी ऐसे टीवी शोज, नाटक, फिल्म या वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी जिन पर क्या होता है, कुछ आपत्तिजनक चीज आती है, वहां पर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक आ जाता है या जो साउंड होता है वो टू टू ऐसे करके बीप करता है। तो वो चीजें क्या होती हैं, आपकी एज के लेवल से और कहीं ना कहीं समाज के लेवल से। आपको पता है, भारत की बात करूं तो एक सेंसिटिव केस बन जाता है, या धर्म को लेकर या किसी चीज को लेकर। तो सेंसरशिप कहीं ना कहीं इन चीजों पर रोक लगाती है। ठीक मेरे भाई, इसे आप एक कानून की तरह से देख सकते हैं। निष्पक्षता का सिद्धांत बताएं। देखिए, इसके बारे में आपको खुद ही देखना पड़ेगा निष्पक्षता क्या है, और इसके सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसे आप एक बार कर लेंगे, और जिसने पहले से ही कर रखा हो वो थोड़ा अपने दोस्तों वगैरह की भी हेल्प करें। निष्पक्षता के सिद्धांत को यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, इसको एक बार आप समझेंगे क्या होता है, और इसके बारे में दो तीन लाइनें, और कब इसकी शुरुआत हुई थी। थोड़ा सा इसका जब भी कोई चीज़ लेके, आपको पता है सबसे पहले चालू क्या होती है, आप सिंपल भाषा में क्या करते हो, इसकी परिभाषा लिखते हो। परिभाषा लिखने के बाद क्या करते हो, आप उसका अर्थ समझाते हो। अर्थ समझाने के बाद क्या करते हो, उसका कोई ना कोई आप एग्जाम्पल देते हो, उदाहरण देते हो। फिर उसका कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, उसका आप दिखाते हो मेरे भाई कनेक्शन दिखाते हो कि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ऐसे करके आपको किसी भी क्वेश्चन के साथ डील करना है। ऐसे नहीं जो मर्जी लिखते चले गए, अगर एग्जामिनर ये देखता है बच्चे ने किस हिसाब से लिखा है, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना है। ठीक, राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, इसे तो देखिए, अगर आप ना भी देखें तो भी इसका आंसर आप कर सकते हो। राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, आज भारत की राजनीति की बात करूं, आज जितने भी राजनीतिक है आप सभी जानते हो सबके पास खरबों अरबों की संपत्ति है, लेकिन जब भी ये चुनाव में नामांकन कराने के लिए आते हैं, क्या कराने के लिए आते हैं, नामांकन, या अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आते हैं, तो हम न्यूज में घर पे बैठे बैठे देखते हैं क्या बताते हैं, एक घर, वो भी किराए का, और कोई भी संपत्ति नहीं, किसी भी तरह की कोई जमीन नहीं। हमें भी ऐसा लगता है जैसे हमारा ही कोई भाई गया है चुनाव आयोग में अपना नामांकन कराने। तो बताइए इस क्वेश्चन को कितने पेज में, कहता हूँ आप 10 भी पेज भरोगे ना फिर भी आपको लगेगा मैं लिख सकता हूँ। तो राजनीतिक व्यवसाय के रूप में, तो इसमें आप लिख सकते हो हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल
गलत है। लोग राजनीति क्यों जुड़ना चाहते हैं? एक बार अगर राजनीति में किसी का कोई आदमी चला गया तो उसके पूर्वज पुरखे बैठ के खाते, इतना पैसा उस पर आ जाता है। आपको पता है, आप अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप किस लिए पढ़ रहे हो? जॉब के लिए। जब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी संस्थाएं, अभी मान के चलो आप में से KVS हो, चाहे वो कोई भी बड़ी संस्था हो, दवा के यहाँ इन चीज़ों में भी रिश्वतें चलती हैं, कहीं ना कहीं नेताओं से जुड़ी हुई तो चीज़ें। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के टाइम पे नोटों से भरे हुए गाड़ियाँ, बंडल, यहाँ तक कि घर तक पाए जाते हैं। तो राजनीति पैसे से क्यों नहीं जुड़ा हुआ? इसको एक व्यवसाय के रूप में तो देख रहे हैं अब, जब ही तो सब लोग इससे जुड़ना चाह रहे हैं। क्यों है इंटरेस्ट कि कन्हैया कुमार जैसे कॉलेजों से ही इन चीज़ों में जुड़ने लग गए? देखिए, दो चीज़ होती हैं, या तो देश में परिवर्तन या अपने आर्थिक आय में परिवर्तन। तो इसका भी आप फोटो ले लेंगे, एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, अगर ये क्लियर दिख रहा हो आपको, ठीक। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, ध्यान से देखेंगे आप इसे। राजनीति सिद्धांत के प्रमुख दृष्टिकोण, दोस्तों ये भी आपका पूछा गया, राजनीतिक सिद्धांत के कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं, इस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे, तो पहले तो आपको थोड़ा बताना है क्या है। सिद्धांतकारों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धारणाओं को पहचानना और वर्गीकृत करना काफी मुश्किल है। आपको पता है, हर व्यक्ति का किसी न किसी चीज को देखने का कोई दृष्टिकोण होता है। आप में से कुछ लोग हमारे को देख रहे हैं तो कुछ तो कहेंगे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ कहेंगे कि सर सही नहीं पढ़ा रहे, आवाज कम है, या कुल मिलाकर आपकी कुछ भी, वो आपका दृष्टिकोण है देखने का। दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं जो हमेशा क्या देखते हैं, पॉजिटिव चीज, एक देखते हैं हमेशा पॉजिटिव चीज, एक देखते हैं नेगेटिव, इन्हीं में भी कैटेगरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही होता है दृष्टिकोण, एक चीज को देखने का नजरिया, ठीक। तो आपको ये बताना है यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, पहले तो आप इसे लिखेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ दृष्टिकोण कैसे कैसे जो बताए गए हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये वाला पॉइंट लिख देना एक तो आप, एज इट इज कौन सा ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इसका आप फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, ठीक। और अगला आपको बताऊंगा, ये देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ही पार्ट है, यहाँ पर मैंने पूरा करा दिया, पेपर में सारे नहीं लिख लें, हालांकि जो बुक थी आपकी उसमें मेरे ख्याल से 5 से 6 बता रखे थे, कितने, 5 से 6। अब आपको ये भी पता है, पूरा अगर लिखोगे तो पेपर इसी में खत्म हो जाएगा, दृष्टिकोण में नंबर फिक्स ही मिल रहे हैं, तो पूरा नहीं लिखेंगे। जो मैंने इसमें बताया, मैंने 2 आपके लिए चुने, इसमें से एक ही हो गया और दूसरा ये मानक अथवा निर्देशात्मक दृष्टिकोण, ठीक। एक ये वाला आप लिख लेना, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट एकदम। परिवार राज्य इंटरफेस के मार्क्सवादी विचार की व्याख्या कीजिए। देखिए, मार्क्सवाद के बारे में इससे पहले की क्लास में भी, अगर आपने सर की भी देखी है, किसी मेरी भी क्लास देखी है, तो मार्क्सवाद के विचार आपको पता है, अगर आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको क्या दिखाना है, इस क्वेश्चन में आपको दिखाना है कनेक्शन किसका, परिवार का, राज्य का, इंटरफेस के मार्क्सवादी विचार की व्याख्या, इन तीनों का यहाँ पर कनेक्शन दिखाना है। देखो, बात करें इस सिद्धांत की तो आपको पता है कॉल मार्क्स होते, बात करें इस सिद्धांत का जन्मदाता महान विचारक कॉल मार्क्स को माना जाता है। मार्क्स से विचार राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अन्य सिद्धांतों से अलग प्रतीत होते हैं। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाना है। तो ये आपका जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे, और कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर मैंने आंसर भी आपको बताए। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।